अपनिया मंगा नूं लैके अज पीआरटीसी दे पणवस दे कॉन्टैक्ट वर्करां वल्लों कीती गई पत्रकारां नाल गल्लबात ते कहा कि सरकार साढ़े कच्चे मुलाजमां नूं पक्के करे ते जल्दी तों जल्दी 10,000 बस नवीं इन्हां दोनां महिकमां दे विच पाई जावे। अज बठिंडा दे चिल्ड्रन पार्क विखे पीआरटीसी दे पणवस दे कॉन्टैक्ट वर्करां ने पत्रकारां नाल गल्लबात करदे हुए कहा कि सरकार लंबे समय तों साढ़े मुलाजमां नूं पक्के नहीं कर रही, कच्चे मुलाजमान पक्के नहीं कर रही, ना ही जो इन्हों वालों सहूलत दिती गई है उस दे लई ना ही 10,000 बस नवी पाई जा रही है, क्योंकि रोज़ बसों की घाट कारण सानू रोज़ लोगों के नाल लड़ना पैंदा। उन्होंने मंग की कि सरकार 10,000 बस नवी पावे तो साढ़े कच्चे मुलाजमान तुरंत पक्का किया जाए, जिसनों लैके अज उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर सरकार ने साड़ियां मंगा ना मनिया तो 19-20 तरीक नूं साडे वल्लों गेट रैलियां कीतियां जाणगियां ते 28-29-30 नूं मोती महल दा घराओ कीता जाएगा। मेरा नाम तरसीम सिंह है, मैं जनरल सकत्तर हाँ पणबस कॉन्ट्रैक्ट वर्क यूनियन मुकसर तो। साडियां 4-5 मंगा जिहड़ियां मेन असी पिछले 13-14 साल तो डिपार्टमेंटां दे विच कम कर रहे हैं, चाहे पीआरटीसी की गल करिए चाहे पंजाब रोडवे पणबस की गल करिए, असी इन्हां मंगां नूं लैके 13-14 साल तो संघर्ष कर रहे हैं। सरकार दे असी मोती महल दा घराओ भी कर लिया, अणमिथे समें दी हड़तालां भी करनियां, रजण दे प्रोटेस्ट असी करते रहिंदे आ। जिहड़ा अज दा साडा प्रोटेस्ट आ, असी 27 डिपू आ जिहड़े पीआरटीसी प्लस रोडवेज दे पणबस दे आ, असी 11 जगह दे विच अज जिहड़ियां इह प्रेस कॉन्फ्रेंसां कर रहे हैं पूरे पंजाब दे विच सिर्फ सरकार नूं जगाउण वास्ते। इस तों पहलां असी अपने बसां दे विच लाउड स्पीकर राहीं सरकार दे खिलाफ भंडी प्रचार भी कीता सरकार नूं जगाउण वास्ते। उहदे नाल नाल असी जिहड़ी सब कमेटी बनाई गई है कच्चे मुलाजमां नूं पक्का करन वास्ते, उहदे च ब्रह्मिंदरा हैगा जां अपना मनप्रीत सिंह बादल आ जां चरणजीत चन्नी है जां मलेरकोटले दे अपने विधायक रजिया सुल्ताना साडे ट्रांसपोर्ट मंत्री आ, असीं उहनां दे गेटां दे विच धरने भी ला चुके हैं। पर सरकार हर वार इक लारा ही लाउंदी है कि हाँ असीं कच्चे मुलाजमां नूं पक्का करांगे, अगली मीटिंग दे विच करांगे। तकरीबन 14 साल तो जिहड़ा साडा संघर्ष आ उह इसे तहत ही चल रहा कि शायद असीं पक्के होईए, अपना जिहड़ा कारोबार अपना रुजगार आ उहनूं बचा सकीए, महिकमे बचा सकीए, पर सरकार दे जिहड़े हालात आ उह वध तों वध हुंदे जांदे आ। असीं इह मंग करदे हां कि कच्चे मुलाजमां नूं पक्का कीता जावे, रोडवेज़ पणबस दे विच घट्टो घट 10,000 नवीं बसां पाईआं जाण, तां जिहड़े रिपोर्टां दे आधार ते जिहड़े मुलाजम कढे गए आ चाहे उह पीआरटीसी दे विच मुलाजम कढे आ जां पणबस दे कढे आ, उहनां नूं तुरंत ड्यूटी ते बहाल करके ड्यूटी लाया जावे। अगर इह मंगां नहीं मन्नियां जांदियां तां 19-20 तरीक नूं असीं जिहड़ा सांझे मोर्चे दा इक बैनर बणिया होया जिहदे विच घट्टो घट 2.5 लाख जिहड़ा पंजाब दा मुलाजम आ, असीं 19-20 तरीक नूं दिन रात दे धरने इन्हां मंत्रियां दे बारां अगे लावांगे, जिहड़े सब कमेटी बणी मुलाजम पक्का करन वास्ते उहनां वास्ते। तो उस तो बाद 28-29-30 की हड़ताल है जिद ट्रांसपोर्ट मंत्री मुख्यमंत्री और सब कमेटी के जोड़े है अपने मंत्री है उन्होंने गेटा के अगर धरने लावे। मेरा नाम कमल कुमार है जी, मैं सूबा सरपरस्त है पणबस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन का, पीआरटीसी पणबस दोनों साझा प्रोग्राम अज का जे पूरे पंजाब 27 डिपू है, 18 डिपू पणबस के है, 9 डिपू पीआरटीसी के है। साडा मेन मुद्दा है पक्कीकरण, कच्चे मुलाजिम पक्कीकरण का, एक आम लोगों की सुविधा वास्ते बसा पाँगा नवी, क्योंकि साढ़े को पंजाब रोड से बस सफर फ्री किया गया, बसा साढ़े को 1300 है तो 1000 बस पीआरटीसी है, उन्हें इन्ने लोगों सफर किमें कराइए। इस करके गठगोड़ अभी सरकार को मांग करते भी गठगोड़ 10,000 बस दी जाए सानू, तो जो कच्चे मुलाजम 14-15 साल तो कम करते उन्होंने रेगूलर किया जाए, क्योंकि पिछे जी गल आई सी भी असी तुम्हें किमें पक्के करिए सरकारी अड़चना पै रही, उन्हें दो उदाहरण असी सरकार को दस चुके हैं। एक तो आंध्रा 51,000 मुलाजम काम कर रहा है कारपोरेशन से, उन्होंने यूनियन के लीटर पर ला के 51,000 मुलाजिम पक्का करता। तो नंबर दो जो मैडम कहते अड़चन आती है तो जोड़ा मलेरकोटला एक जिला बनाया उत्तों ज्यादा तो अड़चन है ही नहीं कोई, लेकिन जिला जिंदा कोई ना निशान नहीं जिला बना दिया गया, उन्हें किन्ने अफसर लगने हैं, किन्ने ही बिल्डिंगा बननी हैं, किन्ना ही अरबा रुपया खर्चा होना है, वो तो सरकार मिल्टो मिल्टी कर गई। एक बंद जिन्हें कमा के सरकार देना 10-15 साल तो उसे मेहनत कर रहे इसी उम्मीद ना भी शायद सरकार पक्की करूगी, तो उन्होंने पक्के करने वास्ते कहें भी कानून से अड़चन आ रही है। जो अड़चन आँदी तो ना कोई दो रस्ते फिर सी गई, एक तो ये जिहड़ा 2016 एक्ट लागू कर देंदे इन्हां दी कोई रौला नहीं सी, क्योंकि वो पिछली सरकार ने लागू किया, जी लागू ही करना सी इन्हां नूं तां तां भी मुलाजम पक्के होंदे है। जे कहिंदे भी असीं वो भी नहीं कर सकते तो 2011 की एक पॉलिसी पई है जिंदे तहत भी पक्के कर सकते, इन्हां कोल दो पॉलिसियां पंजाब गवर्नमेंट कोल पईआं है उहदे तहत भी पक्के कर सकते सारे मुलाजम, पर ये सब बहाना कर रहे हैं जिहड़े साडे वित्त मंत्री उह खाली खजाना दिखा के जदों दे आए वो पहले अकालिया से उदों के भी यही करते रहे भी खजाना खाली जो उन्होंने इतों पास किया तो खजाना किमें भर गया, किन्ने काम कर गई उस तो बाद। हूँ कांग्रेस सरकार 4.5 साल हो गए जो कैप्टन साहब की सरकार बनी सी, बनने तो पहले इन्हों का वादा सी भी जी पहली कैबिनेट मीटिंग होगी उन्हें असी कच्चे मुलाजम पक्के करांगे, पर हूँ तो 4.5 साल हो गए किन्नी कैबिनेट मीटिंग हो गई इन्होंने कोई पक्के नहीं किए, जे पक्के किए हैं तो मंत्रियों ने चाहते बच्चे किए हैं जिहड़े हूँ कोई DSP ला दिया गया तो कोई लाया गया अपने की नाम तहसीलदार लाता गया। अगर मंगा नहीं मनी जाए अगले संघर्ष किस तरह जे साड़ी मंगा ना मनिया गई तो साड़ी जी अगला संघर्ष है
पहले तो 23 ते 24 की गेट चली हैगी सारे पंजाब से, उस तो बाद 28, 29, 30 की हड़ताल है 3 दिन की, जिन्हें 29 तरीक न असी पटियाले मोती महल घिर के बै बैठा तो जे सरकार फिर भी कोई सुनवाई नहीं करती फिर इन्हें तीखा संघर्ष किया जाओ वो उन्हें अनमिथे समय हड़ताल हो सकती है। चंडीगढ़ में जो इन्हों मैन कोठी है वो घेरी जा सकती है, तो इस तरह करके जिहड़े मंत्री साड़ी कमेटी है उन्होंने घिरा भी हो सकता है। मुलाजम किन्ने के जी जिहड़े मुलाजम साढ़े को बहुत थोड़े जी, आंध्रा 51,000 है, इतने तो कुल 8,000 मुलाजम है पी आर टी सी पान बस दोनों मिला के। पोस्टा ड्राइवर कंडक्टर वर्कशॉप से जी, कोई वड्डी पोस्ट नहीं। हाँ जी, तुम चाहते हो कि हर तरह की खबर तुहाडे तक पहुँचे तो मेरे चैनल सबसक्राइब करो और घंटी ऑन ते करो।